Dear student, in previous lecture, we have seen the effect of traffic noise on our environment. Now in today's lecture, we will see the effect of traffic on our atmosphere, or we can say air. Now pollution of the atmosphere by fumes and smell emitted by the motor vehicles make the urban stream extremely unpleasant. With further growth of vehicle population, the problem is bound to assume serious proportions. Major component of exhaust gas which is released by the vehicle are carbon dioxide, water vapor, unburned petrol, organic compound, oxide of nitrogen, lead compound, carbon particles. All these above are emitted by the internal combustion of engine. Now the effect of एयर pollutant caused by traffic, जो previously हम लोगों ने देखा कि वो motor vehicle के through जो gases release हो रही थी वो हमारे environment को बहुत ज़्यादा effect करती हैं. Environment के साथ साथ हम लोग की health को भी बहुत ज़्यादा effect करती हैं. Such as कि carbon dioxide एक बहुत important part है climate change का, और जो आपका carbon monoxide है उसकी वजह से headache, dizziness, vomiting और nausea, ये सिर्फ एक प्राइमरली इफेक्ट है जो अगर स्मॉल क्वांटिटी में होता है इट डजंट इफेक्ट दैट मच, बट इफ दिस इज एक्सपोज फॉर द लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन इट मे हैव ऑल दिस इफेक्ट. नाउ एलिवेटेड लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन कॉज डैमेज टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड इंक्रीज ए पर्सन वल्नरेबिलिटी टू and the severity of respiratory infection and asthma. Long-term exposure to high level of nitrogen dioxide can cause chronic lung disease. Now the effect of lead which is released by the motor vehicles, they are in, you can say, soft particle ke type se ye release hota hai. To ye soft particle, kuch agar smaller particle hai, it remains within the air. Agar heavier particles hai, तो वो लीच डाउन हो जाता है अर्थ पे, तो एक तरीके से ये वाटर पोल्यूशन भी कर सकता है अगर ये लीच डाउन हो जाए वाटर सरफेस में. लेड कैन कॉज सेवरल अनवांटेड इफेक्ट्स सच एज डिसरप्शन ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड एनीमिया, ए राइज इन ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज, ब्रेन डैमेज एक्सेट्रा. बट ऑल दीज इफेक्ट वी कैन सी कि अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टर्म के लिए हो या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं पे ट्रैफिक है तब भी हम लोग ये सारे इफेक्ट नहीं देख पाते हैं. उसका रीज़न ये है जो हम लोग का मोटर व्हीकल जो रिलीज़ करता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में रहता है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा इफेक्ट हम लोग नहीं देख पाते हैं. लेकिन अगर यही चीज़ आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो बहुत ज़्यादा, तो इसका इफेक्ट जो है थोड़ा बहुत हम लोग देख सकते हैं. लाइक इन यूजली वी सी दैट कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो अगर कहीं पे भी ज़्यादा स्मोक है या कुछ है तो वी हैव ए लिटिल बिट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. कि हम नॉर्मल इंसानों के लिए अगर इसी में ही अगर कोई पेशेंट है तो इट विल अफेक्ट देम मोर. एंड इन मैनी स्टडीज वी हैव फाउंड दैट कि जो है prolonged exposure to the exhaust gases the respiratory problem main problem jo hai wo respiratory problem hoti hi hoti hai. And the other effect which we see is anxiety. zyada prolonged exposure agar hum log ka air pollution se hota hai to normally jo hai ek normal person ke andar ek anxiety ki feeling jo hai apne aap create ho jati hai. Now what are the measures of controlling air pollution? तो इसमें जो सबसे पहले है कि हम लोग जो हैं अपना जो पोल्यूटन जो रिलीज़ हो रहे हैं सोर्स पॉइंट पे ही उसको वहीं पे ही लेस करें, वहीं पे ही उसको कम करें. इस पर गवर्नमेंट भी बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट बना रखे हैं जो मोटर व्हीकल के साथ इन कॉम्बिनेशन यूज़ होता रहता है. जैसे हम लोग ने पहले हम लोग जो व्हीकल यूज़ कर रहे थे वो BS4 था, तो BS6 में जो एमिशन जो हो रहा है व्हीकल्स में वो कंपेरेटिवली लेस है अगर BS4 से अगर कंपेयर किया जाएगा तो. और जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्मॉल कार यूज़ करें, क्योंकि जैसे CC इंजन की जैसे जैसे CC कम होगी या
ये कह लीजिए, तो इंजन जो है उसका उसी के अकॉर्डिंग जो है एमिशन लेस करता है। और अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ करते हैं, इट इज़ द बेस्ट वे। अगर एयर पोल्यूशन को अगर हमको कंट्रोल रखना है, अगर हम लोग ये देख लें कि हम लोग के घर के आसपास अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो अगर हम उसका यूज़ करते हैं, तो इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन फ्रॉम आवर साइड। या तो फिर हम लोग अपना लास्ट ऑप्शन ये बचता है हम लोग पास कि अपना फ्यूल जो है हम लोग कुछ ऑल्टरनेटिवली देखें। जैसे कुछ ऑल्टरनेटिवली हम लोगों ने अभी देखा था कि पेट्रोल के बजाय लोग एलपीजी यूज़ करने लगे थे, उसका एमिशन लेस था एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल। वैसे ही एलपीजी से धीरे लोग सीएनजी में आए, तो उसका भी एमिशन कम था। अब सीएनजी के बाद जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसका तो एमिशन बहुत जीरो, वी कैन से दैट कि वो जो है एयर पोल्यूशन के मामले में इट इज़ अफेक्टिंग अराउंड अबाउट 0%। और भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम लोग जो है एयर पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि वर्क आर को सेपरेट कर दें ताकि किसी भी वक्त पे पीक आर ट्रैफिक ना बन पाए। कि जैसे हम नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, ज़्यादातर ऑफिसेज 5 बजे के आसपास क्लोज होते हैं, तो उस वक्त ये हो जाता है कि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है उस एरिया का ज़्यादा गिर जाता है। एक और वे है कि हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन में जो है पार्किंग ही रिस्ट्रेंट कर दें, जो कि SRME में पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ के लिए बात कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, तो ओवरऑल एज कम्पेयर टू सिंगल व्हीकल की वजह से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग के एयर ट्रैफिक को लेस हार्म करता है। एक और मेथड है जैसे हम लोग जो है बाईपासेस और रिंग रोड का ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन हो किसी भी सिटी एरिया में, तो वहाँ पे स्टॉपेज कम होगा, तो एमिशन ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई एक एवरेज स्पीड पे व्हीकल ट्रैवल करता है, तो उसमें जो है एयर पोल्यूटेंट्स एज कम्पेयर विद द लेस स्पीड कम निकलेंगे। नाउ मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग USA, जापान हैव इनेक्टेड लेजिस्लेटिव मेजर फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम व्हीकल। द नेशनल एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय द US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन UK देर इज ए लेजिस्लेशन फॉर कंट्रोलिंग स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स। इन इंडिया द मोटर व्हीकल एक्ट मेक्स द प्रोविजन एलेबरिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू फ्रेम रूल्स टू कंट्रोल द एमिशन सच एज स्मोक विजिबल वेपर स्पार्क एशेज ग्रिट एंड ऑयल्स विच इज डिस्क्राइब एज पर द पॉइंट नंबर 110 इन मोटर व्हीकल एक्ट। जो पॉइंट नंबर 110 है उसमें जो उसमें भी पॉइंट नंबर एम पे स्टैंडर्ड्स ऑफ एमिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एक दे रखा है, जो गवर्नमेंट जो है रेगुलाइज करती रहती है। जो चेंज भी होता रहता है जैसे जैसे नए नए एक्ट बनते जाते हैं या जैसे जैसे नई नई रिसर्च होती जाती है, वैसे वैसे गवर्नमेंट भी अपना जो है रूल या जो कह लीजिए कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है प्राइवेट कंपनी के साथ, वो भी चेंज करती चली जाती है। सो कंपाइलिंग इट वी कैन से दैट दीज आर द इफेक्ट जो भी बताया गया, और कैसे जो ट्रैफिक का जो एयर पे जो इफेक्ट है वो है, और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो भी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।